लेकिन पिछली बार मैं आया था तो हमारे कुछ कलाकार मित्रों ने मुझे एकदम से चौंका दिया ये कह के कि पूरे देश में किशन महाराज का जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है और पटना में ही नहीं, पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नौमी पांच दिन आपस में बात न करें। पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नौमी पांचों दिन किशन महाराज का कम से कम तीन तीन चार चार कार्यक्रम पटना के अलग अलग मोहल्ले में होता था। मतलब आप समझ लीजिए कि जिनका प्रतिवर्ष 15 से 20 कार्यक्रम होता था, इसके अलावे भी कार्यक्रम होते थे, होते ही रहते थे, उनकी जन्म शताब्दी पे पटना में हम कोई कार्यक्रम न करें तो ये तो बहुत दुखद बात हो जाती। तो मैंने कहा नहीं ठीक है करेंगे। और मनोज जी जो पटना के ही हैं, कहाँ हैं मनोज जी? जी इधर। हाँ, ये भी बहुत अच्छे तबला वादक हैं और किशन महाराज के भक्त हैं। तो इनको मैंने कहा कि भाई आप बात करिए और किशन महाराज के परिवार से भी एक दो लोग आए उसमें, और एक म्यूज़िकल और एक क्लासिकल वोकल कोई आर्टिस्ट बुला के एक अच्छा कार्यक्रम किया जाए। तो ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे वायलिन की जो हमारी जो नंदिनी शंकर हैं, बहुत ही अभी नाम कर रही हैं वायलिन में, बहुत ही अच्छी हैं, वो आ रही हैं। और किशन महाराज के नाती शुभ महाराज आ रहे हैं तबला के लिए खुद, हो सकता है उनकी बेटी भी बनारस से आ जाएं कार्यक्रम में। और शास्त्रीय गायन में इंद्राणी मुखर्जी आ रही हैं कलकत्ते से, अभिषेक चैटर्जी आ रहे हैं तबला पे संगत के लिए, और हारमोनियम पे भी संगत के लिए कलकत्ता के ही बहुत ही अच्छे द्वैपायन राय हैं, वो आ रहे हैं। तो ये रविंद्र भवन में कल कार्यक्रम है, आप सब सादर आमंत्रित हैं। 22 तारीख का कार्यक्रम है ये, आज 20 है, परसों कार्यक्रम है। और कार्यक्रम के बाद भोजन की व्यवस्था है और ये आप लोग जो शास्त्रीय संगीत का एक की पुरानी परंपरा एक रही है पटना की, उसको एक तरह से जगाने का प्रयास किया जा रहा है। अब किन कारणों से शास्त्रीय संगीत बंद हो गया पटना में, कैसे हो गया, ये सब विवाद में नहीं पड़ना चाहता मैं, और पीछे की बात भूल ही जाए तो अच्छा है और आगे हम अच्छा कुछ कर सके। इसीलिए मैंने मुख्य अतिथि के रूप में किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया है, एक आपके हार्ट सर्जन हैं जीवक हॉस्पिटल के हमारे डॉक्टर अजीत प्रधान, जो खुद भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनको बुलाया है मैंने मुख्य अतिथि में। और विशिष्ट अतिथि में रणवीर नंदन हैं जो कि MLC रह चुके हैं, और इनका परिवार भी बहुत अच्छा संगीत प्रेमी है। इनके पिताजी तबला सामान्य रूप से पद्मासन पे बैठ के बजाते हैं, पद्मासन जिनका नहीं लगता है ठीक से तो सुखासन पे भी बैठ जाते हैं, लेकिन किशन महाराज जी वज्रासन पे बैठ के बजाते थे तबला।
और वज्रासन पे लंबा बैठना, घंटों बैठते थे वो। लोग कहते हैं कि जो वज्रासन पे तो खाने के बाद अगर 5 मिनट बैठ जाए कोई तो कभी उसको पेट में कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन वो वज्रासन पे बैठ कर बजाते थे और रात रात भर बजाते थे। अब आप समझिए कि गर्दनी बाग से अगर शुरू करते थे तो फिर गांधी मैदान, तो फिर लंगर टोली, तो फिर मुसल्लपुर, तो कहाँ, मतलब उनका तो रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बजाते ही रहते थे। तो ऐसे अद्भुत कलाकार, और क्या व्यक्तित्व था, सुंदर तो थे ही, लंबे, पूरा बजरंगी टीका लगा के बैठते थे। तो उनका तो बस नाम लेते ही रोमांचित हो जाते हैं हम लोग। तो किशन महाराज और गोदई महाराज दोनों हमारे यहाँ पटना में बहुत इन्होंने बजाया है। कोई ऐसा कलाकार नहीं है। अब मैं जैसे शेखर सेन आज इतना नाम कर गए और फिल्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और संगीत अकादमी के चेयरमैन और क्या क्या हो गए, और यहाँ पे तो उनको हम लोग शुरू में बजवाते थे, गवाते थे, खुद हारमोनियम बजा बजा के गीत गाते थे बेचारे। तो ऐसे सभी सारे महान कलाकार यहाँ हैं, सितारा देवी से लेकर कौन यहाँ नहीं आए, सब ऐसे महान कलाकारों के यादगार में। अगर किशन महाराज की शताब्दी पे हम लोग कुछ यहाँ के कला प्रेमी जुटे, और मैं तो डर रहा था कि मौसम खराब है कहीं लोग जुटेंगे नहीं, लेकिन अब तो गया से और मुजफ्फरपुर से कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं बताइए आप। कोई भी फिल्मी गीतों में जाएं, चाहे बॉलीवुड के कलाकार बन जाएं, कुछ हो जाएं, लेकिन शास्त्रीय संगीत से सरोकार नहीं रहता है तो आगे बढ़ नहीं पाता है। अभी मैं बम्बई से आ रहा हूँ। बम्बई में एक कार्यक्रम में मुझे पटना की एक लड़की, वैसे परिवार उनका सहरसा का है, सुपौल का, प्रिया मल्लिक, वो मिली, और उसने जब हमें कुछ सुनाया अपना, और फिर बाद में अपने वीडियो भी भेजे, तो हमने उसको कहा कि तुमने शास्त्रीय संगीत कहाँ सीखा है, तो हंसने लगी, बोली हम तो पटना में रहते थे अनीसाबाद में, और वहीं पर हमको एक गुरु मिल गए तो उन्हीं से हमने सीखा, फिर जे डी वीरेंस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और फिर मैं बम्बई चली आई। मतलब आप उसके अलाप से और उसके धुन से समझ सकते हैं कि वो लड़की बिना शास्त्रीय गुरु के वो नहीं पहुंच सकती। उसने एक हमको डुएट सुनाया, वो डुएट उसने अनूप जलोटा के साथ गाया है। अच्छा, अनूप जलोटा भी मेरे छोटे भाई की तरह है, बहुत हमको प्यार करते हैं, लेकिन जब हमने सुना तो हमने कहा कि भाई ये तो अनूप जलोटा कहीं टिक ही नहीं रहा है इसके सामने।
जो गाया है उस लड़की ने। आप वो अयोध्या कोई उसके बहुत जल्दी में वो काम किया है लोगों ने, कोई उसमें अच्छा शब्दावली भी अच्छी नहीं है, अच्छा उन्होंने कोई कंपोज भी नहीं किया है, लेकिन एक तुरंत कुछ अयोध्या में चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था और वो मंदिर का निर्माण होना था, तो उस पर वो